को ई सुविधा केंद्र का विधिवत उद्घाटन हो गया। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से प्रकरणों में फिजिकल फाइलिंग और ई फाइलिंग की अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां जताई हैं। देखिए, आज सुबह 10 बजे हमारे मुख्य न्यायाधिपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। इस ई सुविधा केंद्र के माध्यम से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि पेपरलेस इंडिया का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुरूप ये ई सुविधा केंद्र आज चालू किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय में। इसमें जो ई फाइलिंग का जो सिस्टम है, वो ई फाइलिंग का सिस्टम लागू किया जाएगा। अभी जो भी खंडपीठ के मुकदमे हैं, मतलब डिवीजन बेंच में जो भी अपीलें या मुकदमे जनहित याचिकाएं आदि जो जारी है, उनका अनिवार्य रूप से प्रस्तुतिकरण जो है ई फाइलिंग के माध्यम से चल रहा था। और 1 अगस्त से सिविल मुकदमों की, जो सिविल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपस में जो पारिवारिक है, पड़ोसी के हैं, जितने भी सिविल मुकदमे हैं, उन सिविल मुकदमों की प्रस्तुतिकरण भी 1 अगस्त से अनिवार्य रूप से ई फाइलिंग के माध्यम से होगा। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय का ये प्लान है कि याचिकाएं और दूसरे मुकदमे जो उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, वो भी ई फाइलिंग के माध्यम